धन धन धनाधन धन, एक तो गाना है ऐसा कुछ, एक मूवी भी है शायद, धन धनाधन धन, रिलायंस की एक एड भी थी जिसमें आईपीएल के कुछ प्लेयर्स आते थे। धन का मतलब पैसा भी होता है और धन एक ब्रोकर का भी नाम है। ये ब्रोकर पोजीशन करता है खुद को एज अ डिस्काउंट ब्रोकर, हैवी डिस्काउंट, रिसेंटली बना है, नया है, पुराना नहीं है, टीम भी स्टार्टअप काइंड ऑफ कल्चर। एट द सेम टाइम ये ब्रोकर ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ ध्यान देता है, बहुत सारे ये इवेंट्स भी करते हैं लेकिन उनका मेजर फोकस जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग सेगमेंट की तरफ है। इनकी एक अलग से ऐप भी है ऑप्शन ट्रेडिंग की। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर सीरीज में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से ये ब्रोकर इवॉल्व हो रहा है, क्या इसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर है, इसकी ऐप्स कैसे चलती हैं, कस्टमर सर्विस कैसा है। हमारी टीम ने, तीन चार लोगों ने मिलकर अलग अलग लेवल पर अपना एक्सपीरियंस बनाया है इनके साथ, इनसे बात करने की भी कोशिश की है। रॉ फुटेजेस जो भी होंगी हमारी एज इट इज़ विदाउट एनी एडिट, एज इट इज़ मतलब कि जो हमारी बात हुई उनके साथ वही आपको दिखा दी जाएगी साथ के साथ, ताकि आप उस हिसाब से अपना आइडिया ले सकें। आज की इस वीडियो में धन के बारे में बात करेंगे, नया ब्रोकर है लेकिन फिर भी लाइमलाइट में है, तो उसके बारे में बात करते हैं। धन के ऐप में अपना अकाउंट ओपन करने जा रहा हूँ, तो अभी मैं अपना ईमेल आईडी डालूंगा। तो अभी मेरे ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड आया, अकॉर्डिंग टू देम 10 मिनट से भी कम लगेंगे मुझे केवाईसी कंप्लीट करने में। सो देखते हैं कितनी टाइम लगता है। पहले पैन कार्ड पूछ रहे हैं ये, तो मैंने अपना पैन कार्ड और बर्थ डेट डाल दिया है, उसके बाद डिजी लॉकर से मैं प्रोसीड करूँगा। तो अभी मैं पैन कार्ड की फ़ोटो डालूँगा। अब सेल्फी डालनी है मुझे, सिग्नेचर करना है। मैंने सिग्नेचर हो गया। मेरी एनुअल इनकम पूछ रहे हैं, विच इज़ दिस एंड प्रोफेशन, प्राइवेट सेक्टर, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस 1 to 5 years, लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ। मैंने पीडीएफ का, बैंक स्टेटमेंट की पीडीएफ का एक स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया। अब देखते हैं वेरिफिकेशन कम्प्लीट होती है। हो गई। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आया है जो शायद ई साइन करना पड़ेगा मुझे आधार लिंक नंबर से। तो ये ई साइन के लिए एक OTP आ गया। अकाउंट का पासवर्ड सेट करने के लिए बोल रहे हैं मुझे, तो मैं अभी पासवर्ड सेट करूँगा। तो जैसा इन्होंने स्टार्टिंग में बोला था 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, और एक्चुअल में 10 मिनट भी नहीं लगे अकाउंट खोलने में। अब मैं इसमें अपना ईमेल एड्रेस डाल रही हूँ। अब मुझे ईमेल पे कोड आया है, उसको मैं वेरीफाई कर रही हूँ। अब मैं KYC कर रही हूँ और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कर रही हूँ। तो फाइनली मेरा अकाउंट खुल गया है और मेरा अकाउंट ओपनिंग हो चुका है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम ब्रोकर के पॉजिटिव पॉइंट्स को कहते हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर देता है, आपको कॉल्स देगा, रिसर्च देगा, टिप्स देगा, लेकिन उसको कहने का तरीका अगर चेंज कर दिया जाए, हाँ आपको हम परेशान नहीं करेंगे, आपको हम ना तो फ़ोन करेंगे, कोई रिसर्च नहीं करके देंगे, कोई RM नहीं मिलेगा आपको, ताकि आप बिल्कुल चिंता फ्री होके बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेडिंग कर सकें। लोगों को लगेगा हाँ यार परेशान नहीं करेंगे, मैं फोकस होकर काम कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में आपको हेल्प भी नहीं की। तो अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो उस बात का ध्यान रखिएगा कि धन के साथ आपको कोई रिसर्च, टिप्स, कस्टमर सपोर्ट चलो मिल सकती है, लेकिन रिलेशनशिप मैनेजर जो कि आपको शुरुआत में हेल्प कर सकता है आपके पोर्टफोलियो को, आपके ट्रेड्स को ठीक ठाक लेवल पर रखने के लिए, ताकि आपको कस्टमर सर्विस को बार बार फोन ना करने पड़े। फुल सर्विस ब्रोकर ज़्यादातर ये सर्विस देते हैं, धन या डिस्काउंट ब्रोकर्स नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन इसको अगर बयां करने का तरीका ही चेंज कर दिया जाए, जैसे कि इनकी वेबसाइट पर, धन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि नो RMs, नो टिप्स, नो सर्विस, नो कॉल्स, तो उस हिसाब से लगेगा कि यार ये भी बेटर है, लेकिन एक्चुअली में आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। धन के केस में आपको खर्चे क्या देने पड़ेंगे? अकाउंट ओपनिंग का कोई खर्चा नहीं है, मेंटेनेंस चार्ज का कोई खर्चा नहीं है, ब्रोकरेज डिलीवरी में अगर आप करना चाहेंगे नहीं लगेगी, इंट्राडे में अगर इक्विटी इंट्राडे में करते हैं तो 20 रुपये या 0.03% विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा। अब मान लीजिए कि आपने 1,00,000 रुपये के शेयर बाय किए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और 1,25,000 के बेच दिए, तो 2,25,000 रुपये का आपके ट्रांजेक्शन कर लिया। अब 2,25,000 को अगर आप 0.03% से मल्टीप्लाई करेंगे, दो बार करेंगे, क्योंकि आपने बाय भी किया है और सेल भी किया है,
तो आपका ओवरऑल ब्रोकरेज लगेगा 67.5 हो गया, लेकिन एक्चुअल में आपका लगेगा 40 रुपया, 20 रुपये बाय का, 20 रुपये सेल का, विच एवर इज लोअर। तो आपको मैक्सिमम कैप जो होएगा ना वो 40 रुपये के हिसाब से, मतलब बाय एंड सेल मिला के हैं, बाय करेंगे तो 20, सेल करेंगे तो 20। इसके अलावा अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे भी आपको 20 रुपये प्रति एग्जीक्यूट ऑर्डर के हिसाब से देना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, बहुत सारे ब्रोकर्स ना तेज़ काम कर देते हैं, वो कहते हैं 20 रुपया जी 20 रुपया। अब 20 रुपया प्रति एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है, लॉट है, ट्रेड है, लॉट करेंगे बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आप 5 लॉट लेते हैं तो 100 रुपया ब्रोकरेज लग जाएगी, ट्रेड के हिसाब से करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेड्स के बेस पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आप ऑर्डर के हिसाब से करेंगे तो ऑर्डर मतलब बाय एंड सेल मिला के, तो एवरीथिंग दैट यू डू एग्जिट भी कर लेते हैं तो आपको 20 रुपये लगने वाला है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ये सस्ता है। देन वी टॉक अबाउट कमोडिटी, अगर आप कमोडिटी करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, तो वहाँ पर मोर एस ब्रोकरेज सेम रहेगी, फ्यूचर्स करेंगे तो 20 रुपीज़ और 0.003%, विच एवर इज लोअर, ऑप्शन करेंगे तो 20 रुपये मैक्स पर लॉट, सॉरी पर ऑर्डर के हिसाब से देना पड़ेगा। इसके अलावा खर्चा होता है दोस्तों डीपी चार्जेस का, जब भी आपको इक्विटी डिलीवरी में सेल करते हैं, आज बाय कर लिया, परसों नरसों अगले साल अगले महीने वेलेवर जब भी बेचा आपने, तो उसमें पर स्क्रिप्ट पर डे के हिसाब से लगता है। इस केस में अब ब्रोकर यहाँ पे 10 रुपये भी लेते हैं पर स्क्रिप्ट पर डे के हिसाब से और 40 रुपये भी लेते हैं जब भी आप सेल करेंगे ना, तो ये आपको देना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, कौन से स्टॉक को बाय, कौन से स्टॉक को सेल कर रहे हैं। इन्फोसिस के 100 स्टॉक है, एक ही बार लगेगा। इन्फोसिस का एक स्टॉक है, शेयर है, एक ही बार लगेगा। तो इनके केस में वो है 12.5 रुपये प्लस GST, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से ये भी पार्ट जो है डीपी चार्जेस का सस्ता है। देन इसके अलावा और भी खर्चे होते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म चार्जेस हो गया या AMC हो गया, तो यहाँ पे मोर और लेस फर्स्ट ईयर वो फ्री है, प्लेटफॉर्म चार्जेस को लेते नहीं। कॉल एंड ट्रेड, अगर आप फ़ोन करके ट्रेड प्लेसमेंट करते हैं तो ये 50 रुपये लेते हैं, विच इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि 20 से 25 रुपये का ओवरऑल इंडस्ट्री एवरेज है, जनरली यही लिया जाता है, लेकिन इनके केस में ये 50 रुपये लेते हैं क्योंकि ये फ़ोन कॉल से दूर रहने की कोशिश करते हैं, ना ही इनबाउंड और शायद ना ही आउटबाउंड, मतलब ना ही ये फ़ोन करेंगे ना ही फ़ोन लेंगे, लेंगे अगर फ़ोन तो आपसे 50 रुपये साथ में लेंगे। और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं दोस्तों, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, अगर आप स्क्रीन पर अच्छे से डिटेल में देखना चाहते हैं तो पॉज भी कर सकते हैं। ज़्यादातर ये खर्चे बाकी ब्रोकर्स के साथ इन लाइन है, मतलब बाकी जो दुनिया में ब्रोकर्स लेते हैं सिमिलर खर्चे ही होते हैं, फिर भी डिटेल चेक करना बेहतर रहता है, इसलिए आप पॉज कर सकते हैं स्क्रीन और यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। धन के एप्लीकेशन जैसे आप लॉगिन करेंगे, शुरुआत में अभी मार्केट आवर्स के बाद हम कर रहे हैं, तो आपको मार्केट दिख रहेगी निफ्टी, मैं टैप कर दूंगा, मेरे सारे सामने इंडेक्स आ जाएंगे, विक्स भी आ जाएगा, निफ्टी बैंक भी आ जाएगा, ऑल दैट। अगर मैंने अभी कुछ पैसे वैसे लगाए होते तो दिख जाता है यहाँ पे, तो मैंने लगाए नहीं है। IPO कौन सा खुला हुआ है मेरे सामने है, इक्विटी ETFs, जो भी इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं इन्होंने रख दिया, इक्विटी खरीद लो, ETF खरीद लो, फ्यूचर खरीद लो, बॉन्ड्स में पैसा लगा दो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो, करेंसी कर लो, कमोडिटी कर लो, व्हाटएवर कमोडिटी जो चल रहा है लाइव लिख दिया उसके सामने। यार ये सही है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन्होंने लिख दिया है कि कमोडिटी चल रहा है, सो इफ़ आई गेट इनटू द ऐप, हालांकि करेंसी भी चलता होएगा तो करेंसी क्यों लाइव नहीं लिखा इन्होंने, बट नेवर माइंड। तो स्मॉल केस है, कुछ स्ट्रेटजी करके है इनका, म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली कर सकते हो, NSE BSE, तो थोड़ा सा मेरे को रिलेटिवली ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ई कॉमर्स स्टोर पे आ गया हूँ। मैं अच्छा है, पॉजिटिवली कह रहा हूँ, नो नेगेटिव फीडबैक एंड नो सरकैज़म ऑन दैट, कि इसमें मुझे बताया जा रहा है कि क्या क्या कर सकते हो आप स्टॉक मार्केट में और हमारे थ्रू क्या क्या कर सकते हो। एनीवे, तो अगर मैं टैप करता हूँ लेट्स इक्विटीज़ में, तो टॉप के कुछ गेनर्स आ गए हैं आज, 20% अदानी एंटरप्राइजेस गेन किया है, अदानी पोर्ट्स ने भी 8% किया है, तो मार्केट में गेन कर रहे हैं, मार्केट में लूज़ कौन कर रहा है, आइशर मोटर एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे कुछ गेनर्स एंड लूजर्स आ गए हैं, ये आज के स्टॉक हैं गो बैक, तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मेरे सामने अलग अलग कॉल्स एंड पुट्स सामने आ जाएंगे, इंडेक्स के ऑप्शन आ जाएंगे, मैं टैप कर दूंगा इसके ऊपर, मेरे पास मार्केट डेप दिखाई दे रहा है, अभी एक्टिवेटेड नहीं है, दैट्स फाइन, बट मैं इसका ऑप्शन चेन ज़रूर देखना चाहूँगा। ऑप्शन चेन आ गया है, LTP दिख रहा है, कॉल्स एंड पुट्स दोनों साइड पे दिख रहे हैं मेरे को। अगर मैं अभी देखूँ मेरा जो है 17,800 की पुट के ऊपर 16,100 और 20,300, तो OTM है, डीप OTM भी मिल रहा है मुझे, तो दैट्स अ गुड थिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। हालांकि मैंने सुना है कि धन की ऐप फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव इज़ प्रीटी एग्जॉस्टिव, बट जो सामने देख पा रहा हूँ तो इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट के चांसेस लगते हैं मुझे। फंड्स इन अकाउंट्स, प्राइस अलर्ट्स, पास्ट ट्रेड्स, ऑल स्टेटमेंट्स, तो वो जो इनका मेन्यू है वो भी कुछ खास नहीं है। वॉच लिस्ट में मैं स्टॉक ऐड कर सकता हूँ, फर्स्ट वॉच लिस्ट बना हुआ है, आई कैन क्रिएट ए न्यू वॉच लिस्ट एज वेल, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ किसी को शेयर करना हो, ठीक है, इट्स ए नाइस फीचर, किसी को अपने वॉच लिस्ट भेजना हो तो इट्स ईजी। न्यूज़, देन यू कैन हैव
मूवर्स, इंडिसेस, कॉल प्रोटेक्शन सब आ गया। पोर्टफोलियो देखना चाहूँ तो मेरा सेग्रीगेट पोर्टफोलियो है, सेंट्रल बटन है। ऑर्डर्स मेरे देखना चाहूँ, पोजीशंस और ऑर्डर्स मेरे को दिख जाएंगे। पैसा टॉप अप फंड करना हो तो मैं UPI और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकता हूँ, तो दैट्स ऑल्सो ग्रेट। स्मॉल केस इसके अंदर ही है, बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर मैं इन्वेस्ट पे टैप करता हूँ तो मैं, इन्होंने इन ऐप इंटीग्रेशन कर रखी है तो आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ धन ऐप। तो अगर आप एक इन्वेस्टर भी हैं तो स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। IPO में अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, टैप करूँगा तो मैं अगर ऐसे करता हूँ, बिड फॉर IPO, यहाँ गया प्लेस बिड फॉर IPO कर दिया, तो ये भी इजी है। IPO में पैसा लगाना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओवरऑल जो नेविगेशन है, जो फीचर लेवल का एनालिसिस है, वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो वो भी प्रिटी स्मूथ है। तो इट्स अ गुड ऐप, इट्स अ नाइस ऐप। तो टेक्निकल लेवल पे देर आर पीपल हु कैन लर्न फ्रॉम धन ऑन दिस, एंड आई होप कि ये लोग इवॉल्व करते रहें अपने आप को। एटलीस्ट इन ऑप्शन ट्रेडिंग धन एप्लीकेशन ठीक ठाक लेवल पे बैठी हुई है। तो दोस्तों, मोबाइल एप्लीकेशन भी होती है, धन की वेब एप्लीकेशन भी है। इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील, अगर आपने मोबाइल ऐप इनकी देखी है तो यहाँ पे वेब एप्लीकेशन में आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा। वॉच लिस्ट है लेफ्ट में, और सेंटर में जैसे कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मेन्यू होम पेज पे आपको स्क्रॉल करेंगे, वही चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कोर्सेज हैं इनके, वेल्थ डेस्क है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्मॉल केस भी लगा सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में पैसा लगा सकते हैं, मार्केट वॉच भी देख सकते हैं, पोर्टफोलियो यहाँ पे दिख जाएगा। मार्केट में टैप करूँगा तो मेरे सामने लाइव मार्केट आ जाएगी, स्टॉक्स आ जाएंगे, गेनर्स लूजर्स 52 वीक एंड हाई एंड डे के लेवल पे भी। ऑप्शन मेरे को दिखा रहा है, स्टॉक ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, ऑल ऑप्शन के हम पे टैप करूँगा तो निफ्टी 50 आ रहा है, निफ्टी 50 पे टैप करूँगा तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं टॉप के। ऐसे ही मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा फ्यूचर्स, कमोडिटी, करेंसी में पैसा लगा सकता हूँ। फरवरी एक्सपायरी, मार्च एक्सपायरी, क्वार्टरली एक्सपायरी भी देख सकते हैं, मंथली एक्सपायरी भी देख सकते हैं। बाय एंड सेल पे टैप करूँगा तो बाय एंड सेल पे मेरे ऑर्डर प्लेसमेंट विंडो आ जाना चाहिए। मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है, ट्रिगर ऑर्डर है, ऑर्डर डिटेल्स सामने आ जाएंगी। ट्रेडिंग करनी है, नॉर्मल ऑर्डर प्लेसमेंट मतलब डिलीवरी में पैसा लगाना है, जैसे चॉइस। नीचे मार्जिन रिक्वायरमेंट आ गया है, सेट ऑर्डर एज अ डिफॉल्ट टाइप, हमेशा आपका यही ऑर्डर लगा करेगा। मैंने अनचेक भी कर दिया है साथ में। थोड़ा एडवांस्ड ऑर्डर वैल्यू है कि वैलिडिटी निकालनी है इसकी, वो भी कर सकते हैं। लिमिट लेवल पे आप सेट कर सकता है, खुद का प्राइस करना चाहें कर सकते हैं। तो नाइस, ऑर्डर प्लेसमेंट इज़ फाइन एंड ईजी। वॉच लिस्ट आप कितने मर्जी स्टॉक्स ऐड करो, इसका स्क्रीनशॉट मोबाइल ऐप में देखोगे ना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ पे तो आप कंप्यूटर पे हो तो वो भी अलाउड है। आपका पोर्टफोलियो, आपकी पोजीशंस, आपके ऑर्डर्स, आपका पैसा कि जैसे कि हमने ऐप में भी आपको दिखाया कि पैसे में अगर इसमें फंड इन एंड आउट करना है तो पैसा ऐड बनी फुल कर सकते हैं। पहले से 50,000 रुपये लगा रखा है बाय डिफॉल्ट, आप 5,000, 2,000, लाख रुपया डिपेंडिंग आपकी चॉइस क्या है वो कर सकते हैं। ओके, फ्लोटिंग P&L इंडिसेस, एनेबल DDPI फॉर फॉसिल, ये कुछ फीचर्स होते हैं। DDPI मतलब अगर आप अपने एक्सिट करना चाहते हैं अपने ऑर्डर में से, खुद को सेल करना चाहते हैं तो पहले ये इनेबल करके रखिए और इजीली सेल हो जाएगा। अकाउंट इज़ रेडी, पैसा लगा दीजिए, इनका कहना है पैसा लगाना अपनी मर्जी पे, इनके कहने पे नहीं, देखना कि किस हिसाब से आपको प्रॉफिट देखना है। नंबर्स यहाँ पे हर एक एप्लीकेशन आपको बढ़िया बढ़िया दिखाएगी, कहेगी बहुत सारा पैसा लगाओ, बहुत सारा कुछ खरीदने को बेचने को बैठा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमा लीजिए। ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, इसमें इक्विटीज़, ETFs, फ्यूचर्स और ऑप्शंस वगैरह सारे एक ही जगह पे आ रहे हैं, कमोडिटीज़ भी, तो वो अच्छा है कि आप अलग अलग अपने ऑप्शंस हैं जो वे कर सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, बैंक 100, BSE, NSE सब कुछ आ रहा है, तो वो अच्छा है कि सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह पे है तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को, और अवेलेबल है सारी इन्फॉर्मेशन। जैसे मार्केट मूवर्स, इन्होंने गेनर्स और लूजर्स दोनों रखे हैं और 52 वीक हाई और लो भी रखे हैं, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसके अलावा जैसे अगर मैं गेनर्स में से HDFC बैंक पर जाती हूँ तो यहाँ पर चार्ट तो है ही और साथ में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है प्रॉपरली। ओके, मैं धन ऐप के फ्रंट पेज पे हूँ, आपका पोर्टफोलियो जो धन पे आपका है उसमें ऑल का एक टैब है, स्टॉक्स अलग से बताए हैं और ETF का भी टैब्स है। ओवरऑल गुड ऐप, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा। फिर दोस्तों बात आती है ऑफलाइन प्रेजेंस की, क्या ब्रोकर आपको ब्रांच, आरएम तो खैर अलग बात हो गया, बट ब्रांच या सब ब्रोकर या AP या फ्रेंचाइज या कुछ ऐसा मतलब वेर यू कैन गो फिजिकली या किसी को बुला सकते हैं, तो धन के केस में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक डिस्काउंट ब्रोकर है। इनके केस में आप ऑनलाइन ही इनसे बात कर सकते हैं, ऑफलाइन किसी तरीके से नहीं। मतलब ना ही इनकी कोई ब्रांच मिलेगी आपको, ना ही कोई इनका बंदा आपके घर या ऑफिस आ सकता है क्योंकि है ही नहीं। बेसिकली दे कम देन ऑपरेट, एंड जब इनसे इंट्रैक्शन करना है, कस्टमर सर्विस चाहिए, इनसे बात करनी है तो इनको फ़ोन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, बट मिल नहीं सकते। फिर आता है कस्टमर सर्विस, फ़ोन करना है, मुझे दिक्कत आ रही है, मेरा ऑर्डर फंसा हुआ है, मेरा ऐप नहीं चल रहा, लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एग्जिट नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उस केस में आपको कस्टमर सर्विस चाहिए होती है। इनके साथ चैट कर सकते हैं आप, इनको ईमेल कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर भी आपको दिख जाएगा वेर यू कैन एक्चुअली सर्च फॉर ए क्वेश्चन, बट जब मुश्किल होती है तो उस क्वेश्चन मतलब आंसर नहीं ढूंढता इंसान,
अगर उसको जल्दी नहीं है तो ढूंढ सकता है, पर अगर उसको बहुत जल्दी है, अर्जेंट है, तो वो फ़ोन करेगा। तो हमने भी कस्टमर सर्विस को फ़ोन करके देखा और ये कुछ था हमारा एक्सपीरियंस। ओके, धन के कस्टमर केयर टीम को एक बार बात करके देखते हैं। सुबह नौ से लेकर शाम के 6 बजे तक ये कस्टमर केयर टीम ओपन रहती है। Hi Rohan, how are you? Yeah, fine sir. Okay, I'm trying to activate my F&O account. Okay. I have 2-3 questions. How do I do that? That's one. Mm-hmm. Secondly, once I mm-hmm. the account is activated, F&O account is activated, how does Dhan mm-hmm. help me in making sure that I am making profit? Like, are there any features that कोई फीचर्स हैं धन की जो मुझे हेल्प कर पाएंगी? एंड देन एट द सेम टाइम अगर मैं इक्विटी या कहीं पे स्टॉक मार्केट नॉर्मल स्टॉक्स में भी पैसा लगाता हूँ तो उसमें धन कहाँ हेल्प करता है? उसकी ऐप में ऐसा क्या क्या है, ऐसे कौन से फीचर हैं जो मुझे मदद कर पाएंगे? मतलब देखिए, कैसा आपके पास अगर कुछ टेक्निकल आपका होता है ऐप में से, तो आप हमें ये नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड फीचर एंड ऑप्शंस आपको अगर करना है एंड उसके बेसिस पे आपको जो है मार्केट कुछ एनालाइज करके ट्रेड करना है, इसके रिलेटेड टिप्स एंड सजेशंस कोई भी नहीं होता है बैंक की तरफ से। ठीक है, टिप्स नहीं होता है। कुछ अगर लगे कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है या फिर भी कुछ भी, आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हो। ओके, मेरा सवाल टिप्स को लेके नहीं था। मेरा सवाल जो था वो टिप्स को लेके नहीं था, मैं जानना चाह रहा था कि धन की ऐप में ऐसे कौन से फीचर हैं जिससे मैं स्टॉक में स्टॉक या ऑप्शन को एनालाइज कर सकता हूँ प्रॉपरली, दैट कैन हेल्प मी इन मेकिंग प्रॉफिट्स। इस तरीके के उसमें जो है आपको फीचर्स बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कि ऑर्डर टाइप है, फिर अलग अलग फीचर्स है। आपको क्या करना है एग्जैक्टली, वॉचलिस्ट में अरेंज करना है आप ये कह रहे हो? मैं ऑप्शन चेन में हूँ, ऑप्शन चेन देखता हूँ, उसके अलावा मैं ग्रीक्स देखता हूँ, उसके अलावा अगर मेरे पास कुछ स्पेसिफिक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेस्ड कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी मुझे बनानी है, कस्टमाइज स्ट्रेटजी हो या इनबिल्ट स्ट्रेटजी हो, वो मुझे कहाँ पे मिलेगी? मैं आपको एक बेस बता देता हूँ। आप जो है ना, अगर ऑप्शन ट्रेडर हो, ठीक है, तो आप हमारा जो एप्लीकेशन है ऑप्शन ट्रेडिंग एप्लीकेशन, तो वो डाउनलोड कर लीजिए। तो उसमें आपको जो है स्क्रीनर, स्कैनर, प्रीबिल्ट स्ट्रेटजी, ये सब कुछ मिलेगा सर। तो उस बेसिस पे आपको अगर करना है, आपका प्रिडिक्शन देके आप वो स्ट्रेटेजी में ट्रेड कर पाओगे, टीसीआर रेशो भी देख पाओगे, ग्राफ भी देख पाओगे सर आप, क्योंकि ये जो धन का एप्लीकेशन है वो नॉर्मल मतलब आप ट्रेड कर सकते हो उसमें, बट आप अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो वो आपको हेल्प करेगा सर। ऑप्शन ट्रेडर ऐप करके है, देखिए प्ले स्टोर पे बाय धन। ओके, और वो तो मैं जानता हूँ, आई एम योर क्लाइंट ऑलरेडी, बट किस किस तरह के ऑर्डर्स रहते हैं इस ऐप में? मार्केट ऑर्डर रहेगा, लिमिट ऑर्डर रहेगा, और क्या ऑर्डर रहते हैं? मार्केट, लिमिट, ट्रिगर, और फिर फॉरएवर ऑर्डर्स है सर, फॉरएवर ऑर्डर्स भी कर सकते हो इक्विटी बाय के लिए। वो क्या होता है? फिर आपको फॉरएवर ऑर्डर यानी कि इक्विटी में कैसा है, आप जो है एक फॉरएवर ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, तो उसका वैलिडिटी ईयर का होता है, तब जो भी प्राइस दोगे सर्टन, तो आपका वो मतलब वेट करता है। जैसे कि कैसा है, नॉर्मल मार्केट में आप अगर डायरेक्टली ऑर्डर करते हो एंड जो भी प्राइस आप सिलेक्ट करते हो, अगर वो प्राइस आता नहीं है मार्केट में, तो एंड ऑफ द डे वो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। यस सर, मैं जान सकती हूँ आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? एक्चुअली मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन लेना है, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं पुट ऑप्शन लूँ या कॉल ऑप्शन लूँ। अगली एक्सपायरी का लेना है मुझे 5 और मतलब जो भी अगली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, उसमें मैंने ऑप्शन लेना है। तो चलो आप मुझे ये बता दो कि अगर मैं मान लो कि मुझे ये लग रहा है कि मार्केट अब नीचे जाएगी तो मैं पुट ऑप्शन लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे स्ट्राइक प्राइस चूज करने में गाइड कर सकते हो कि कैसे चूज करते हैं? नो सर, वो आपको आपके एंट्री ही गाइड करना होता है, लाइक आपको आपके एंट्री रिसर्च करके वो परचेज करना होता है। तो आपकी तरफ से मतलब कुछ कोई हेल्प या कुछ असिस्टेंस? सर हमारे एंट्री और रिसर्च नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, वो रिसर्च आपको आपके एंट्री ही और चेक करना होता है।
सो यूजुअली कॉल उठाते नहीं होते हैं बट इन्होंने उठा लिया विच इज़ गुड, और लेकिन कोई हेल्प नहीं कर पाए मेरी, तो ओवरऑल रिव्यू अच्छा रहा, कस्टमर सर्विस से भी बात हो गई और ऐप भी काफ़ी अच्छी है। चलो अब सब काम कर लिए, अकाउंट बंद करना, देखिए अकाउंट खोलने पे टाइम पे तो बहुत मार्केटिंग आती है, एड्स आती हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, आपको गूगल पे हर जगह दिखाई देगी, इनकी वेबसाइट पे भरा रहेगा। अकाउंट बंद करना है तो तब कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, हमारा कुछ इस तरह से रहा, आप भी चेक कर सकते हैं। तो अकाउंट क्लोज करने का जो फॉर्म होता है वो ब्रोकर से, मतलब डिस्काउंट ब्रोकर का, उसके मतलब पर्सनल अकाउंट में होता है, लेकिन इसमें मुझे वो फॉर्म कहीं दिखाई दे रहा है। और जब हमने इसको इंटरनेट पर सर्च किया तो पता लगा कि मतलब हमें इसको फिजिकली आपको फॉर्म फिल करके इनकी कोरियर करना पड़ेगा इनके हेडक्वार्टर पर, जब हमारा अकाउंट क्या होगा क्लोज होगा। तो ये मतलब एप्लीकेशन में अकाउंट क्लोजर की फैसिलिटी नहीं देते हैं। तो ओवरऑल लेवल पे धन एज ए ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकिंग में सीम्स टू बी डूइंग अ डिसेंट जॉब, चाहे वो टेक की बात करें, प्राइसिंग की बात करें, कस्टमर सर्विस की बात करें, तो फ्रॉम दीज 3-4 परस्पेक्टिव्स दिस ग्रेट। आपको रिसर्च नहीं मिलेगी, क्लैरिटी आपको पहले से होनी चाहिए डिस्काउंट ब्रोकर साथ जब भी आप जाते हैं, आरएम नहीं मिलेगा, सेल्स कॉल्स नहीं मिलेंगी, टिप्स नहीं मिलेंगी। सो ये क्लैरिटी चाहिए अगर आप एक बिगिनर हैं, हैंड होल्डिंग चाहिए, बिल्कुल मत जाइए धन के साथ, क्योंकि आप खुद से अपने आप को सशक्त जब तक नहीं कर पाते तब तक आप डिस्काउंट ब्रोकर और किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाना इट मेक्स लिटिल सेंस। लेकिन अगर आप खुद से सीख रहे हैं साथ साथ में and also want to make money, और आप पे थोड़ा patience भी है, आपको जल्दी अमीर नहीं बनना है, तब भी आप जा सकते हैं, even if you are a beginner, धन या किसी भी discount broker के साथ जाया जा सकता है। but from a technology perspective और option trading जो करना चाहते हैं तो from that perspective most of the traders can go ahead with them, beginner level पे भी, intermediate level पे भी, expert level पे भी more or less, but at the same time जो फुल सर्विस की डिपेंडेंसी है वो इसके साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। डिस्काउंट ब्रोकिंग में डेफिनेटली ये टॉप के 2-3 या 4 मैक्सिमम 4 ब्रोकर्स में डेफिनेटली देखा जा सकता है। तो धन का रिव्यू वॉज दिस, होपफुली आपका जो फीडबैक होगा वो हमें कमेंट सेक्शन में पक्का मिलेगा, क्योंकि आपका फीडबैक भी आपका पर्सपेक्टिव है, जैसे हमने रिव्यू किया वैसे भी आपका भी रिव्यू है बाकी लोगों को। दोस्तों सच में कह रहा हूँ बहुत हेल्प मिलती है जब आप कमेंट सेक्शन में जाके बताते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है। और हाँ, स्टॉक ब्रोकर सीरीज़ में आप कौन से और ब्रोकर के बारे में जानना चाहेंगे ज़रूर बताइए कमेंट्स में, जितने कमेंट्स करेंगे ना दोस्तों उतने और लोगों तक पहुँचेगा ये वीडियो। हम चाहते हैं स्टॉक ब्रोकर सीरीज़ की रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जितना क्लैरिटी के साथ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं मे बी आपके फीडबैक के बाद और इम्प्रूव कर पाएँ, बट जितने अभी जिस लेवल पे भी हैं तो होपफुली उससे हेल्प मिलती है, थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे, थोड़ा रॉ लेवल पे बताने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय।